हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ CRPF SCM ASI स्टेनो का जो एग्ज़ाम होने वाला है। आपके में ईमेल आईडी पे मैसेज भी आ चुका होगा आपके कौन सा स्टेट में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, और आपका डेट वगैरह, शिफ्ट वगैरह सब पता होगा। अब बात है कि आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट में मैं ये लिंक दूंगा, लिंक खोलते ही आपको इस पेज पे आना है। उसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। तो अब यूज़र आईडी पासवर्ड कहाँ से लाए, तो यूज़र आईडी पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे होगा। जब आप फॉर्म भरे होंगे उस समय आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड वहाँ पर दिया होगा। आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद लॉगिन वाला बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे एक नोट आएगा, तो इसे आपको क्लोज़ कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लोज़ कर देंगे तो यहाँ पे आप सभी को प्रिंट, लॉगआउट वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। आपका यहाँ पे फ़ोटो वगैरह, एप्लीकेशन आप सबको देखने को मिलेगा। बात है एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अगर मोबाइल से डाउनलोड करते हैं तो आपको ये 3 लाइन दिखेगा, इस लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट डिटेल्स के बाद यहाँ पे ई एडमिट कार्ड है, ई एडमिट कार्ड के बाद हेल्प डेस्क है, तो ई एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी को ई एडमिट कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जो CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल द्वारा 22 फरवरी से लेकर 11 मार्च के बीच में आपका रिटर्न एग्ज़ाम चलने वाला है। पहले था 22 फरवरी से 28 फरवरी, अब बढ़ा दिया डेट, जो मैं वीडियो भी बना चुका हूँ इससे पहले, जो कि 22 फरवरी से 11 मार्च के बीच में एग्ज़ाम चलने वाला है। आपके कौन सा डेट में है, आपके पास ईमेल आईडी चल गया होगा ईमेल पे, और यहाँ पे आप सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए है। उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आगे इसमें कुछ पेजेस दिया है उसे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, आपका डेट दिया हुआ है, उसके बाद टाइमिंग दिया हुआ है, सेंटर का कोड दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटर का एड्रेस आपका दिया रहेगा जो भी आपका सेंटर है। उसके बाद नीचे की तरफ जो दिया हुआ है आपका, कि मैं प्रमाणित, यहाँ पे लिखा है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं वह व्यक्ति हूँ जिसका नाम अनुक्रमांक संख्या इस ई प्रवेश पत्र पर लिखा है। तो एक्चुअली SSC का जो भी एग्ज़ाम होता है SSC में, वहाँ पे एक बड़ा सा ऐसा ही कार्ड दिया जाता है जिसमें आपको अपना नाम वगैरह सब कुछ भरना पड़ता है, पर यहाँ पे आपको खुद से प्रिंट करके आपको लेके जाना है, वहाँ पे ही आपको भरना है। चाहे आप मैं प्रमाणित करता हूँ ये आपको कॉपी करना है, हिंदी में लिख देना इस बॉक्स में, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप नीचे वाला बॉक्स में भरेंगे, यहाँ पर घर में नहीं भरेंगे, वहीं पर इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा। उसके बाद है कृपया 1 से 9 अंक लिखे, मतलब इस बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके आपको भरना है। उसके बाद है उम्मीदवार का नाम, यानी कैंडिडेट का नाम, अपना नाम लिखना है, अपना मदर नेम लिखना है, आपका जो एड्रेस है आप जहां रहते हैं वो एड्रेस आपको लिखना है। उसके बाद इसमें पिन कोड लिखना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी लिखना है, और अपना इनविजिलेटर का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन आपका होगा, वहीं पे करवाया जाएगा आपसे, और यहाँ पे आप सभी को सिग्नेचर आपको करना है, खुद का सिग्नेचर, और यहाँ पे ऑफिशियल सील वगैरह सेंटर इंचार्ज वगैरह साइन करेंगे। तो ये है नोटिफिकेशन। उसके बाद नीचे की तरफ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, कि आपको यहाँ पर बोला है कि कृपया निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देशक। उसके बाद नीचे की तरफ देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका कि 2 कॉपी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ एज मेंशन बिलो इन इंस्ट्रक्शन, आपको एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल रखना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी हो एक सही लेना, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, मदर, फादर नेम वगैरह सब सही हो। 2 कलर प्रिंटआउट एडमिट कार्ड, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि 2 कलर कॉपीज ऑफ प्रिंटआउट प्रिंटेड ई एडमिट कार्ड, 2 कलर प्रिंटआउट, यानी यहाँ पे कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा, सिर्फ कलर प्रिंटआउट आपका चलेगा। उसके बाद ब्लू बॉल पेन पेपर फॉर रफ वर्क, यानी यहाँ पे बोला है कि आपको दिस थिंग अबाउट कंपलसरी टू एडमिशन टू टेस्ट एंड एग्जाम, यहाँ पर बोला है कि यहाँ पे आपको ले ही के जाए, अगर देगा तो ठीक है, आपको ले के ही जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया है कि आपको नो रिक्वायर फॉर चेंज इन डेट, यानी आप एग्ज़ाम डेट चेंज नहीं करा सकते, टाइम, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह चेंज नहीं करा सकते, यहाँ पर साफ साफ मैंसन किया
हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया है, फाउंड ऑब्जेक्शन डिस्टर्बेंस ये सब दिया हुआ है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद आप एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करवा लेंगे, उसके बाद सेंटर पे जाएंगे, आपका जो भी डेट में आपका रिटर्न एग्ज़ाम है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है, सही सही इंस्ट्रक्शन, इसे पढ़ना है। तो आपको एडमिट कार्ड करने डाउनलोड करने का प्रोसेस मिल गया, आपको लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम है जीके करेंट अफेयर सर्कल, चैनल का जो नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है, तो आप लोग सर्च करके जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।